बंती सिंह प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई का मामला लगातार भखदा जा रहा है, जिथे सिख जथेबंदियां उन्हां दी रिहाई दे लई सरकार ते दबाव बना रहे ने, उथे कई जगह ते केजरीवाल सरकार का विरोध भी देखण नूं मिल रहा है। तलवंडी साबो विखे एक नौजवान दे वल्लों बैनर फड़ के वक्रे तरीके दे नाल प्रदर्शन करदे होए प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई की मंग की गई है। सिख आगू ते प्रदर्शन कर रहे नौजवान का इस दौरान कहना है कि भुल्लर की रिहाई केजरीवाल सरकार दे वल्लों रोकी गई है अते पिछले लंबे समय तो उन्हां दे परिवारक मैंबरां दीआं अखियां उन्हां नूं अडीक रहीआं ने। इस दे नाल ही उन्हां दे वल्लों चेतावनी भी दित्ती गई है। प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर की रिहाई बारे मंग कर रहे हैं जी, केजरीवाल सहन नहीं कर रहे, उन्होंने टेबल पर फाइल पई है पर वो फिर भी सहन नहीं कर रहा है। असी यही मंग कर रहे हैं भी प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर जी को छड्या जाए, रिहा किया जाए। वो बहुत टाइम हो गया, सज़ा उत्तों की टप गई उन्होंने, उन्होंने घर वाले उड़ीक कर रहे हैं उन्होंने, 26 साल हो गए उन्होंने घरद्यान उड़ीकद्यान उन्होंने पत्नी बहुत पार्टी गलबात हुई किसी भी तुम जथेबंदियों के है क्योंकि आम आदमी पार्टी की थोड़े हल्के की विधायक है वो कोई गलबात की गलबात तो करते हैं जी, गल कर गलते आते नहीं है, बयान ही नहीं देंगे उस चीज़ का। तो इन्हों मेरी इन्हों दौर गल हुई सी बलजिंदर कौर जी के नाल, वो पुरानिया रिपोर्टा चक चक के दिखाई जाते दे जो 2014 चो हुई वो रिपोर्टा दिखा दिखाते है कि भी जे कोई तुसी सच्चा गा जां एल जी नू फाइल भेजी आ अपना कॉपी दिखाई जाए मीडिया नू, ठीक है सारिया नू कॉपी दिखाई जाए जेड़ा सानू भी पता लगे भी हाँ इन्होंने किया गा, जिन्ना चक्कर यह अपना कोई बयान जां रिहाई बारे कोई गल नहीं करते उन्ना चक्कर मेरा तो मैं तो इत्थे डेली खड़ा करूँगा, कल भी सी अज भी हाँ तो कल नू भी हाँ, जिन्ना चक्कर सह चलते आ दविंदर पाल जी बारे आपां जरूर उन्हां दी मदद करांगे। एक इंसान ते इंसानियत दे नाते साडा तां सिर झुकदा उन्हां दी पत्नी नूं जिहड़ी ने इन्ना टाइम हो गया उन्हां तों बगैर कट्टे आ, ते उन्हां दी मंग है कि उन्हां नूं रिहा किया जाए। उन्हां दी माता जी भी इस दुनिया तों चले गए ने, उन्हां नूं उड़ीकदे उड़ीकदे पर हुण जिन्ना चिर नहीं करते इन्हों रिहा नहीं करते उन्ना चिर मैं खंडा चौंक के खड़ा रहूँ। बिल्कुल यह कल सिख जथेबंदियों की गल नहीं, हर इंसाफ पसंद बंदा इंसान इंडिया के कित भी आ वो हरेक बंद इस गल के उत्ते रोस आ, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहता भी छड़ सकते हो तुम, संविधान कहता कि तुम जी सज़ा भुगत ली है उदू बाद बंद रिहा किया जाए, साडा देश संविधान के तौर पर चलता आप कहने कि इतने संविधान का राज है ना, जो तो फिर संविधान जो कहता वो तुम मनते क्यों नहीं गए। असी तो ईवन य भी डिमांड करते हैं जो भी साड़ी होंगी आ कि भारत वर्ष के जिन्हें भी कैदी आप सजावं भुग चुके हैं गे वो किसी भी धर्म खिते संबंधित हो किसी लहर न संबंधित हो सबू छड़ा जाए, क्योंकि जो अं संविधान के तौर पर लोकतंत्रक तौर पर आप रह रहे हैं जिहड़ियां सजावं अगले पूरियां कर चुके उन्हां नूं अंदर रखण दा मतलब भी कोई नहीं। खास करके ये अज्ज सानूं तां खड़ना पिया कि केजरीवाल साहब जिहड़े कहिंदे ने कि असीं इंसाफ पसंद लोक हाँ असीं ईमानदार हाँ, उन्हां दी ईमानदारी दा असीं ये दस रहे हाँ कि इन्नी कु तुहाडी ईमानदारी आ कि एक तां तुसीं बंदे नूं छड्ड नहीं रहे गए, दूसरा उत्तों तुसीं झूठ बोल रहे ने भगवंत मान जी तुहाडे बंदे कई एल जी कोले पई आ फाइल, सरासर झूठ आ। जे एल जी कोले पई आ ते तुसीं क्लीयर करती इहदा मतलब, क्योंकि जे क्लीयर होगी तो अगे जाता स्टैप टू स्टैप है ना, जो तुम खारज कर दोगे फिर वो जाती नहीं, तुम दिखाओ सबूत भी आ देखो जी असी सैन करते असी सिफारिश करती है एल जी को पई आ, तुम उत्तों झूठ बोल रहे हो। एक संविधानक पद के उत्ते बैठे हो मुख्यमंत्री है तुम, उधरों एम पी साहब ने भगवंत मान जी एम एल ए बलजिंदर कौर जी ने तुम एक संविधानक पद से बैठ के झूठ मार रहे हो। बलजिंदर कौर ने गलबात की थोड़ी हल्के की है तुम वोटा पा के जिताया उन्होंने? हाँ जी उन्होंने मिले से कल ते पर उन्होंने कोई काली दे विच सानू कोई बाली गल नहीं सुनी, साडा वो चेतावनी पत्र उन्होंने लै लिया, उन्होंने कहा भी असीं तुहानूं ये चेतावनी पत्र इस करके दिंदे आ कि तुसीं आपदा इत्थे स्पष्टीकरण दिओ ते केजरीवाल तो स्पष्टीकरण दवाओ, नहीं फिर तुहाडा ते केजरीवाल दा ते भगवंत मान दा पूरा जोर विरोध किया जाऊगा।